क्या चीन भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि चीन भारत के साथ सभी मोर्चों जैसे देपसांग, गलवान और प्योंगयांग लेक के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ रूस और ऑस्ट्रेलिया भी चीन से परेशान हैं, इसीलिए वो भारत के साथ खड़े हैं। वहीं अमेरिका भी नजर बनाए हुए है, वो भी चाहेगा कि अगर भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई तो वो थोड़ा लंबा खींचे ताकि ट्रंप को अमेरिकी चुनाव में फायदा मिल सके। चीन भले अपनी आर्मी के कसीदे पढ़े ना पढ़े, मगर वहाँ की मीडिया दुनिया के सामने अपनी सेना को ऐसे पेश करती है जैसे वो अजय है, हालांकि हकीकत में ऐसा कतई नहीं। कागज पर ड्रैगन सेना भले ही बड़ी हो, मगर ग्राउंड रियलिटी यानी सच्चाई कुछ और ही है। क्वांटिटी में भले चीन हमसे 20 हो, मगर क्वालिटी में वो हमारे आगे 19 साबित होगा। भारत चीन LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन अपने पूरे चरम पर। हालात ऐसे बन रहे हैं जिससे लग रहा है कि कहीं भारत और चीन के बीच 58 साल बाद एक बार फिर से जंग ना हो जाए। हालांकि जानकारों के मुताबिक ऐसा कम ही होने के आसार और बीच का कोई रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर भारत चीन में जंग के हालात बने तो क्या होगा। अगर ये जंग होती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, क्योंकि जंग केवल दो देश ही नहीं लड़ते, जंग में दो देशों की सेनाओं के साथ जनता भी इसका खामियाजा उठाती है। भारत और चीन तो आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। अगर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को ही नहीं बल्कि हमारी इस पृथ्वी को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं। भारत चीन युद्ध में किसकी होगी जीत? दुनिया भर को कोरोना जैसा भयानक संक्रमण देने वाला चीन बाज नहीं आ रहा है। वो अब भारत से टकराव के मूड में लग रहा है। उसकी सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर प्योंगतसो झील और गलवान घाटी में अपने सैनिकों की संख्या और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पर अब भारत भी पूरी तरह से तैयार है चीन की तबीयत से क्लास लेने के लिए। दरअसल चीन के नेतृत्व को शायद गलत फहमी हो गई है कि उनका मुल्क अजय है। वो अजय और अतिशक्तिशाली होता तो फिर वो हांगकांग में लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन को दबा चुका होता। वो अजय होता तो अब तक ताइवान को खा गया होता। चीन के इरादे शुरू से ही विस्तारवादी रहे हैं, यही उसकी विदेश नीति का मूल आधार है। पर इस बार उसका मुकाबला भारत से हो रहा है, जो अब 1962 वाला भारत नहीं रह गया है। ये 2020 का न्यू इंडिया है। अमूमन तो दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, और अगर हुआ तो इसके भयानक नतीजे हो सकते हैं। चीन की सेना भले ही बड़ी और मजबूत हो, लेकिन भारतीय सेना भी युद्ध के हालातों के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। हिंदुस्तान की सेना का पराक्रम पाकिस्तान को बखूबी मालूम है। 1962, 1971 या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। चीन को लगता है कि वो हिंदुस्तान की सेना को हरा देगा, जबकि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसे युद्ध का अभ्यास ही नहीं। हिंदुस्तान ने आखिरी युद्ध करीब 21 साल पहले लड़ा था, जबकि चीन ने आखिरी बार 41 साल पहले युद्ध लड़ा था, जहां हिंदुस्तान ने 99 में कारगिल की जंग में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी, तो वहीं साल 1979 के युद्ध में चीन को वियतनाम ने धूल चटा दी थी। बीते 41 साल में चीन की सेना ने युद्ध तो क्या ऑपरेशन तक नहीं किए हैं, जबकि भारत की सेना कश्मीर में आतंकियों से भिड़ती रहती है। हालांकि तकनीक के मामले में चीन भारत से आगे जरूर है, लेकिन भारत के पास युद्ध का अनुभव ज्यादा है, इसीलिए अगर युद्ध हुआ तो नुकसान दोनों देशों का ही होगा। लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि दोनों देशों में से जीतेगा कौन। युद्ध से अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर? चीन का भारत से टकराने का मतलब होगा अर्थव्यवस्था को चौपट होने का नियंत्रण देना। भारत चीन के बीच 100 अरब डॉलर का व्यापार होता है, इसमें चीन बड़े लाभ की स्थिति में है। वो भारत से जितना माल आयात करता है उससे बहुत अधिक भारत को निर्यात करता है। अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों के बीच ये व्यापार बंद हो जाएगा, जिसका भारत पर तो कम जबकि चीन पर ज्यादा असर होगा। कोरोना काल में वैसे भी चीन की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है, ऐसे में अगर उस पर युद्ध का भार पड़ा
तो उसकी अर्थव्यवस्था तो चौपट होगी ही, बल्कि सुपर पावर बनने का उसका सपना भी टूट जाएगा। दरअसल पिछले 30-35 सालों में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। दुनिया भर में कई सालों से भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ी हैं। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन दोनों देशों ने अपनी करोड़ों जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। चीन और भारत में अलग अलग स्तर पर बुनियादी ढांचे का इतना विकास हुआ है कि शहरी इलाके बिल्कुल बदल से गए हैं। विनिर्माण क्षमताओं में बहुत सुधार हुआ है। डिजिटल और ई कॉमर्स दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं और मोबाइल और इंटरनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों की जिंदगियां बदल दी हैं। अगर युद्ध हुआ तो दोनों देश करीब 10 साल पीछे चले जाएंगे। चीन के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। अगर युद्ध की वजह से दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते हैं तो चीन को अपने इस बाजार से हाथ धोना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चीन का भारतीय बाजार पर कब्जा है। इसके अलावा दवा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में चीन की पकड़ अच्छी है। युद्ध होने पर चीन को इन सब से हाथ धोना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर होगा। अमेरिका पहले ही चीन की नामी और बड़ी कंपनियों पर बैन लगा चुका है। ऐसे में अगर वो भारत से युद्ध का ख्याल भी मन में लाया तो उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जबकि भारत को इसका नुकसान ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि चीन से व्यापार बंद होने के बाद ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश चीन की जगह ले सकते हैं। चीन के साथ व्यापार खत्म हुआ तो ये ज्यादा संभव है कि भारत आत्मनिर्भर देश बन सकता है, क्योंकि अभी तक जो सामान चीन से आता है वो भारत में ही बनने लग सकता है। मोदी सरकार वैसे भी इसके लिए लोगों को प्रेरणा दे रही है। भारत चीन युद्ध में जीत के मायने। भारत और चीन के बीच जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं, लेकिन ये सोचिए अगर इस युद्ध में भारत को जीत मिलती है तो उसका असर क्या होगा। दरअसल भारत को इस युद्ध में बढ़त मिलने की बड़ी वजह है दुनिया के बड़े देशों का समर्थन। अमेरिका जैसे बड़े देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने तो अपनी सेना की एशिया में तैनाती तक कर दी है। अगर चीन और भारत का युद्ध हुआ तो अमेरिका भारत का ही साथ देगा। इसका नुकसान चीन को उठाना पड़ सकता है। अगर भारत चीन से युद्ध जीत लेता है तो शायद चीन से हमेशा के लिए ये सीमा विवाद खत्म हो सकता है। अक्साई चीन जो भारत से 62 के बाद चीन ने हत्या लिया था वो वापस आ सकता है। इतना ही नहीं, भारत वापस से POK पर भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के दम पर ही फूलता है। चीन की हार के साथ ही पाकिस्तान भी बेदम हो जाएगा, साथ ही एशिया में भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भारत के सामने आंख नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर इस युद्ध में चीन भारी पड़ता है तो भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर चीन जीता तो वह लद्दाख पर कब्जा करना चाहेगा। इतना ही नहीं, चीन लगातार अरुणाचल को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता रहा है। हो सकता है कि भारत को इसे भी गंवाना पड़ जाए। चीन से हार की सूरत में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो कश्मीर के मसले पर भारत पर दबाव भी डाल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि चीन के बाद वो भारत के हालात को भांपते हुए हमला कर दे। इसके साथ ही बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश भी फिर भारत को आंख दिखाने लगेंगे, साथ ही एशिया में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा।